कैसे हो दोस्तों, आज बात करते हैं कि प्रेजेंट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिस्क्राइब प्रेजेंट। तो जी, प्रेजेंट के सेंटेंसेस कैसे होते हैं और क्या उनकी कैटेगरी होती है, चलो देख लेते हैं और फटाफट से उनको कैटेगराइज कर लेते हैं। तो पहला जो प्रेजेंट का कैटेगरी होता है उसके अंदर आता है आपका एक ऐसा सेंटेंस जिसके बारे में हम कोई समय निर्धारित नहीं करते। जैसे मान लो कि मैं रोटी खाता हूँ, कोई समय निर्धारित नहीं है इसका कि मतलब मैं कब खाता हूँ कब नहीं खाता हूँ, ये मेरी मर्जी है, ऐसा कोई गिवन टाइम नहीं है। तो कोई ऐसे सेंटेंस जो गिवन टाइम पर ना हो, हमारी हैबिट हो, हमारी रेगुलर कंटिन्यूअस वर्क हो, कंटिन्यूअस को हटा देते हैं, रेगुलर वर्क हो या फिर हमारी डेली लाइफ की रूटीन हो, ये वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट का सेंटेंस बोला जाता है। अब दोस्तों, इसके अंदर पढ़ने वाली बात क्या है या समझने वाली बात क्या है, एक जानकारी वाली बात इसके बारे में यह है कि इसके अंदर वर्ब नहीं होती। क्या वर्ब नहीं होती? लेकिन होती भी है। तो कहानी का ट्विस्ट क्या है? कहानी का ट्विस्ट यह है कि जो इसकी वर्ब होती है उसके पीछे या तो एस और ईएस लग जाता है या उससे पहले इसे मार लग जाता है। तो जब इसे मार लगेगा तो वर्ब नहीं होगी, और जब वर्ब होगी तो उसके पीछे एस और ईएस लगेगा। वीडियो के एंड में इसको खोल करके बताया है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो गलती कर रहे हो, जाके सब्सक्राइब कर दो यार। कब करोगे मुझे नहीं पता, इस वीडियो को फैलाना है आपको। चलिए आगे बात कर लेते हैं। दूसरी बात, सेंटेंस दूसरे प्रकार के वो कौन से होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो वर्ब है उसके पीछे आईएनजी लग जाती है। क्या होता है? वर्ब के पीछे आईएनजी लग जाती है। वो कौन सेंटेंस होते हैं? जो काम आपके सामने हो रहा है, जो काम अभी हो रहा है, जो काम वर्तमान में चल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आप देख रहे हो, तो आई एम स्पीकिंग यू आर वॉचिंग, तो वर्ब के पीछे लग गया ना आईएनजी। तो ये है प्रेजेंट का सेकंड टाइप का सेंटेंस, ठीक है जी। तो पहले वाले पे आ जाते हैं। पहले वाले में क्या था कि हम इज मार लगा रहे थे या फिर वर्ब के पीछे एस और ईएस लगा रहे थे। वर्ब के पीछे एस और ईएस के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो अगली वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इज एम आर है क्या, कहां से आए, कौन है, क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले जाके लाइक करके आओ, फिर वापस आओ, आपको इज एम आर की पूरी जानकारी दे। बात करते हैं तो बात आती है कि सर वाक्य में कई तरह की चीजें होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है जी, कई तरह की चीजें। सबसे पहले तो वाक्य में सब्जेक्ट आता है, इसको मैं हीरो बोलता हूँ। फिर आती है हीरोइन, यानी कि ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आता है एक्शन। तो ये तीनों चीजों से मिलकर के एक सेंटेंस बनता है। इसी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हीरो। अब हीरो कौन है? हीरो आप भी हो सकते हो, हीरो कोई और भी हो सकता है, हीरो कोई शी भी हो सकता है, कोई ही भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एनी नेम, कोई नाम दुनिया का हो सकता है, कोई एक से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। जैसे मान लो हम सब हीरो हैं, या मान लो हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, हम एक से ज्यादा लोग हैं, तो क्या होगा? फिर वहां पर आएगी जगह भी लग जाता है। तो इन नाउन्स को और इन प्रोनाउंस को तो आपने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा तो मैं आई बटन पे क्लिक करो, जाकर के वीडियो देख लो पहले नाउन और प्रोनाउन की, उसके बाद आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उनको समझ जाओगे तो ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए बात कर लेते हैं इसके बाद में। तो देखो जी, जब भी कोई नाम आए या कोई एक व्यक्ति, जैसे कोई नाम आया सर राम, इंडिया भी एक नाम है, आर्मी एक नाम है, पुलिस एक नाम, मीडिया एक नाम है, पीएम श्री नरेंद्र मोदी एक नाम है, और आपके पिताजी वो भी एक ही व्यक्ति है। तो जितने भी ये एक व्यक्ति है, कोई भी एक नाउन होती है, ताजमहल भी एक नाउन है, पता है दिल्ली भी एक नाउन है, कोई भी एक नाउन अगर होगी या कोई व्यक्ति हो जिसका हमें नाम ना पता हो लेकिन उसके बारे में बात कर रहे हैं, कहते हैं ना वह व्यक्ति, वह आदमी, यह आदमी, तो उसके लिए हम ही, शी और इट। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, एटर्नल ट्रुथ, यानी कि ऐसा ट्रुथ जो कि सच में ट्रुथ है, कंसिडरेबल ट्रुथ है, या फिर एक ऐसी आदत जो हमारी डेली लाइफ की आदत है। आज आप ये सेंटेंस सीख जाओगे, प्रॉमिस करना कि इसमें कभी गलती नहीं करोगे। अगर इसको देखने के बाद भी गलतियां हो रही है प्रेजेंट के इस वाले सेंटेंस में, तो आपकी ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं, अभी बंद कर दो। समझ में आ रही बात? चलो बात कर लेते हैं इज एम आर क्या है। देखो ये याद करो, सर ने नाउन और प्रोनाउन पढ़ाए थे। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करो, दोनों वीडियो मिल जाएंगी, जाकर के पहले उन्हें देख लो, उसके बाद वापस आ जाओ। वो वाली वीडियो देखे बिना कोई फायदा नहीं होगा।
तो पहले वो वीडियो देखनी है, आपको जरूरी भी बहुत है। अच्छा, नाउन प्रोनाउन की बात क्या है? देखो, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें तीन चीजें होती है प्रमुख तौर पर, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। बहुत मुश्किल है यार ये समझना, पूरी जिंदगी निकल जाती है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। इसको आसान बना देते, एक हीरो, एक हीरोइन और एक हीरो हीरोइन के लिए जो करता है वो एक्शन बन गई ना बॉलीवुड मूवी, और सबको याद रहती है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट हीरो, वर्ब एक्शन, ऑब्जेक्ट हीरोइन, सिंपल है। अब इनके अलावा भी कुछ सेंटेंसेस में इज एम आर लगते हुए देखे होंगे, जैसे आई एम आकाश, ही इज अ बॉय, आई लिव इन दिल्ली, दिस इज दिल्ली। अब ये सेंटेंस यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हो रहा है, ये होते क्या है? देखो जी, क्या होता है, वर्ब को हेल्प करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब को हेल्प करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब होती है। जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं होता क्या वो सेंटेंस नहीं होते? जैसे कि दिस इज दिल्ली, दिस इज दिल्ली, क्या ये वाक्य नहीं है? यह दिल्ली है, यह वाक्य तो है, लेकिन एक्शन कहाँ है, वर्ब कहाँ है? तो ऐसे वाक्यों में जहां पर वर्ब नहीं होती वहां पर हेल्पिंग वर्ब मौजूद होती है और वर्ब का ही काम करती है। समझ में आई बात? तो वर्ब का दूसरा रूप, छोटा रूप, माइक्रो फॉर्म क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब तीन प्रकार की प्रेजेंट के लिए, इज एम आर, अब आएंगी काम, नाउन प्रोनाउन। तो देखो जी, पहली बात तो दुनिया के हर एक वस्तु जिसका नाम है वो नाउन होती है, ये आपको याद होगा, नहीं याद तो आज याद कर लो। तो दुनिया की हर एक वस्तु अगर वो एक है, दुनिया की हर एक वस्तु जिसका कोई नाम हो और वो एक हो, तो उसके पीछे इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, आई को छोड़ के, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, जिसको आई को छोड़ के, आई के पीछे एम लगता है। क्या लगता है? आई के पीछे एम लगता है। तो आई एम, और ही, शी, इट, दिल्ली, मुंबई, पुलिस, इंडिया, वेस्ट इंडीज, अमेरिका, इन सब के पीछे इज, क्योंकि सब नाम है ना। ताजमहल के पीछे भी इज लगेगा, इंडिया के पीछे भी इज लगेगा, आर्मी के पीछे भी इज लगेगा, कैमरामैन के पीछे भी इज लगेगा। तो जी, बात समझ में आई? जो भी सिंगुलर चीज है, यानी कि एक वचन की चीज है, कोई भी एक व्यक्ति है, आई को छोड़ के उसके पीछे क्या लगेगा? क्या लगेगा? इज लगेगा। लास्ट में क्विज मिलेगी ना, उसको ट्राई करना, ठीक है? तो इज लगता है कब? जब एक बंदा हो, कोई भी एक बंदा, कोई भी एक नाम, पापा, मम्मी, दोस्त, यार, भाई बहन, नातेदार, रिश्तेदार, सबके पीछे इज लगेगा, अगर एक है तो। अब सवाल आता है, सर जी एक से ज्यादा है तो ठीक है ना, हमारे पास आर, आर को उठाएंगे उसके पीछे लगाएंगे, कैसे होगा? देखो, आर्मी, आर्मी पर्संस, आर्मी पर्संस, एस लग गया पर्सन के पीछे, यानी कि एक से ज्यादा की बात हो रही है। डजंस, डजन ऑफ बनाना, डजन ऑफ बनाना, यानी कि देर आर सो मेनी बनानाज, देर आर सो मेनी बनानाज, आई एम ईटिंग बनानाज, देर आर बनानाज। सो एस लग रहा है पीछे, एक से ज्यादा चीज है, दे आर माई फ्रेंड्स, They are who? They are my friends. Friends है ना, आर लग गया। तो सीधी सी बात है, जब भी नाउन कोई एक से ज्यादा होगी तो हम आर लगा देंगे। अच्छा, प्रनाउन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रनाउन क्या था? ये प्रनाउन क्यों बोला था सर ने? देखो क्या होता है, जब हमें नाम पता होता है तो हम नाम से बुलाते हैं, लेकिन बार बार नाम भी नहीं लगा सकते, तो हमने प्रनाम लगानी होती है। जैसे कि मान लीजिए, एम एस धोनी इज माई फेवरेट क्रिकेटर, ही इज अ विकेट कीपर बैट्समैन एंड ही हैज बीन अ वंडरफुल कैप्टन। So, यहां पर एम एस धोनी के बाद मैंने दो बार ही का प्रयोग किया। Why? क्यों? क्योंकि बार बार एम एस धोनी से ऑकवर्ड बन जाता पूरा पैराग्राफ और मुझे एनर्जी लगानी पड़ती, आपको सुनने में अजीब लगता, सुन के देखो। एम एस धोनी इज माय फेवरेट क्रिकेटर, एम एस धोनी इज अ विकेट कीपर बैट्समैन, एम एस धोनी हैज बीन अ वंडरफुल कैप्टन। नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, बार 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 सर, तो एम एस धोनी बोल रहे हैं, इसी वजह से तो प्रणाम बनाई गई थी। तो प्रणाम के पीछे भी हमने इज एम आर का प्रयोग करना होता है। ही के पीछे इज लगेगा, शी के पीछे इज लगेगा, इट के पीछे क्या लगेगा? इज लगेगा, बहुत बढ़िया। आई के पीछे क्या लगेगा? एम लगेगा, बहुत बढ़िया। और अगर दे है तो आर, दोज है तो आर, समझ में आई बात?
और इसी तरह से आपने इनको पेयर अप करना, जोड़े बनाने, आइसक्रीम का कूप याद है ना, आइसक्रीम का एक कोन है खाली, उसके ऊपर आपने बटर स्कॉच रखा, एक चोको रखा, फिर बटर स्कॉच रखा, पूरी आइसक्रीम तैयार हो गई। बिल्कुल इसी तरह से तो सब्जेक्ट रखा, हेल्पिंग वर्ब रखी, ऑब्जेक्ट रखा, सेंटेंस तैयार हो गया। तो प्रेजेंट के इस वाले सेंटेंस की ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके जरूर मुझे बताएं, अपने दोस्तों तक इस नॉलेज को जरूर पहुंचाने की कोशिश करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो। Panda. I got broads in Atlanta, just to go me in the family, credit cards in the scammers, getting the looks in the family.